वेलकम दिस एपिसोड विद मी आर वीडियो में में हम बात करने वाले हैं जयपुर जयपुर के के कॉलेज बारे इज जिम्स जिम्स आपने रोहिणी का नाम सुना होगा उसी का ही कॉलेज है जिम्स जयपुर उन्हीं उसी ग्रुप के अंदर आता है एंड आई थिंक जयपुर में बहुत सारे बच्चे हैं हु डोंट वॉन्ट गो आउट एंड काफी कॉलेजेस हैं राइट फ्रॉम तकशीला जिसके बारे में बच्चा पूछता है जिम्स जयपुर जयपुर या जयपुर एंड और भी कॉलेजेस हैं पर अभी हम इसके बारे में बात करेंगे एंड मैं आपको बताने वाली हूँ मैंने क्योंकि इस वीडियो को बनाने से पहले कुछ स्टूडेंट से बात की है तो उनको ना टेल यू द प्रोज एंड द क्रॉन्स एंड यू एस पी अबाउट द स्पेसिफिक कॉलेज गेट स्टार्टेड पहले मुझे बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं था स्पेसिफिक कॉलेज अभी रिसेंटली बनाया स्टूडेंट्स आई केम टू नो की कैंपस फिर भी काफी अच्छा है I mean, बहुत you know, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा बड़ा है बट आपको सारी चीज़ें इंडोर आउटडोर गेम्स यू नो एक्सपोजर एक स्टूडेंट को जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं स्पेशली जो कॉलेज सिर्फ और सिर्फ पी कराता है और कोई और कोर्स नहीं उसके है उसके हिसाब से काफ़ी बड़ा कैंपस है यू विल फाइंड ऑल दम्यूनिटीज विच इज बिंग रिक्वायर्ड दो हज़ार छः का स्टैब्लिश ये कॉलेज है सीट्स की बात करें आई सी टी अप्रूवड है सिर्फ सिक्सटी स्टूडेंट्स का इंटेक है मतलब बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स का इनटेक भी नहीं है तो अगैन ये कॉलेज यूजली वो बच्चा देखता है जो राजस्थान या जयपुर के आसपास की जगह का है गुजरात हो सकता है मध्य प्रदेश हो सकता है या राजस्थान के स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं जयपुर में कॉलेजेस देख रहे होते हैं तो हम उसी को समझेंगे कि कैसा ऑप्शन है सबसे पहले हाईलाइट की बात करें 2006 का स्टैब्लिड कॉलेज है प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है एआईसीटी ही अप्रूव्ड है प्रमोटेड बाय यू नो जगन्नाथ गुप ग्रुप सॉरी I'm so sorry. I'll repeat it. Jagannath Gupta Memorial Educational Society Delhi, जगन्नाथ गुप्ता है लोकेशन जयपुर में है और नंबर I mean, map जहाँ पे आपके पास लाइव प्रोजेक्ट्स हैं, लाइव प्रोजेक्ट्स के साथ यू you नो know, फैकल्टीज इंडस्ट्रियल विजिट्स है ऐसी बहुत सारी चीजें हैं तो कैरिकुलम वाइज यू नो you know, उन्होंने बहुत सारे एड ऑन सर्टिफिकेशन जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं सैप का सर्टिफिकेशन है तो सैप एडवांटेज है यू you नो know, आप सभी को पता होगा सैप अगर आप अलग से करोगे तो इट हैज अज कॉस्टिंग फॉर गेटिंग द सैप सर्टिफिकेशन और कई सारी कंपनीज को स्पेसिफिकली रिक्वायर्ड भी होता है तो नंबर वन बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के नाम से जाना जाता है और कई सारी कंपनीज मोर देन सिक्सटी सिक्स ऑफ द वर्ल्ड स्टॉप कंपनीज लाइक गूगल एमेजोन फेसबुक रिलायंस टीसीएस आई बी सो रीसेंट ईशियन पेंट्स एलजी ये सारी कंपनीज यूज करती हैं तो ये आपका कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ाता है व्हेन इट कम्स टू दिस डिपेंड करता है कि अगेन किस तरीके से आपने उस सॉफ्टवेयर पे लर्निंग की है प्रोग्राम्स में पीजोडिया मार्केटिंग फाइनेंस ऑपरेशन एचआर बिजनेस एनालिटिक्स ये स्पेशलाइजेशन है एडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो बहुत सारी चीजों पे मैं नहीं जाऊंगी दो तीन चीज़ें जो मुझे अच्छी लगी बिकॉज दे हैव ए इंक्यूबेशन सेंटर जहां पे कुछ स्टार्टअप्स इंक्यूबेटेड है और वो स्टार्टअप्स ही जो हैं वो स्टूडेंट्स को लाइव प्रोजेक्ट्स जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं तो स्टूडेंट्स का थोड़ा सा इन्हांसमेंट उसकी वजह से बढ़ जाता है एंड दे हैव दिस अगेन यू नो अगर हम बात करें कि इनका एक कॉम्पिटिशन भी होता है आई होप आगे वाली स्लाइड में मैंशन होगा अगर मैंशन होता है तो हम उस पर भी डिस्कस करेंगे पर उससे पहले हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो यू you नो know, सारे एंट्रेंस एक्सेप्ट करता है आपको अप्लाई करना है अप्लाई करने के बाद इंटरव्यू होता है और उस बेसिस पर आपका सिलेक्शन हो जाता है बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है इंटरव्यू प्रोसेस इट्स वेरी ईजी यू कैन ईजिली गेट एडमिशन आउट हेयर फीस की बात करें तो सिक्स लाख नाइन्टी फाइव थाउजेंड फीस है जिन स्टूडेंट से मैंने बात की एक की सिक्स लाख ,00 फीस थी क्योंकि यू you नो know, उसका वो सेकेंड ईयर है एक स्टूडेंट जो अभी फर्स्ट ईयर में है उसकी फीस सिक्स पॉइंट फाइव लाख है और अभी ट्वेंटी थ्री बैच के लिए सिक्स लाख नाइन्टी फाइव थाउजेंड हॉस्टल फीस अगर आप हॉस्टल में रहते हैं वैसे आप खुद से भी ले सकते हैं बट अगर आपको हॉस्टल में रहना है तो पर एन आपके पास नाइन्टी फाइव थाउजेंड है प्लस फाइव थाउजेंड है मतलब वन लाख आपको पड़ती है नॉन एसी पर एनम और अगर आप एसी के साथ रहते हैं तो एक लाख पंद्रह हज़ार रुपये आपको पर रह एन कहीं ना कहीं पड़ता है अगर हम प्लेसमेंट्स की बात करें तो सिक्सटीन पॉइंट फाइव लाख का हाईएस्ट है मिनिमम फोर पॉइंट लाख का है एवरेज पैकेज जो है वो 6.8 लाख का है और फटी प्री प्लेसमेंट ऑफर है इंटेक्स बहुत ज़्यादा नहीं है जिन स्टूडेंट्स से मैंने बात की उनका कहना था कि छः साढ़े छः लाख के आसपास का एवरेज पैकेज है कॉलेज का एंड द लोएस्ट पैकेज वाज नियर अबाउट 4.5 दिस इज़ व्हाट मैंशन बाय स्टूडेंट और फैकल्टीज एज़ पर स्टूडेंट्स फैकल्टीज काफ़ी अच्छे हैं दे इवन प्लान इंडस्ट्रियल विजिट्स एंड ऑल दीज थिंग्स कई सारे मेन्टोज आते हैं स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं तो वो एक uh, जो एडवांटेज है स्टूडेंट्स को मिलता है समर इंटर्नशिप दो से तीन होती हैं uh, विंटर इंटर्नशिप 10 से 15 दिन की होती है एनजीओ में होती है और समर इंटर्नशिप जो है वो दो से तीन महीने की होती है दो से तीन है, दो से तीन महीने की होती है राइट right? अभी 2023 के प्लेसमेंट्स चल रहे हैं कंप्लीट नहीं हुए हैं तो पर 2022 के प्लेसमेंट्स के हिसाब से अगर हम बात करें तो सिक्स सिक्स पॉइंट फाइव के एवरेज पैकेज है ये सारे रिक्रूटर्स हैं एंड स्कॉलरशिप भी ऑफर करता है टू स्टूडेंट्स जिनके मैट में या कैट में अच्छे परसेंटाइल है फ़िफ्टी थाउजेंड की वन लाख की वन लाख फिफ्टी थाउजेंड की अगर आपके अकेडमिक्स में ओवरऑल सिक्सटी है आपको फिफ्टी थाउजेंड की स्कॉलरशिप मिलती है अगर आप सीखें सेवेंटी फाइव और सिक्सटी फाइव ग्रेजुएशन में वन लाख की मिलती है एटी फाइव टेन यू नो सॉरी टेन ट्वेल्थ में है और सेवेंटी ग्रेजुएशन में वन लाख फिफ्टी थाउजेंड की स्कॉलरशिप मिलती है आई थिंक यहाँ पे एक चीज़ मेंशन नहीं है जो मैं और डिटेल में इलाबरेट करना चाहती हूँ वॉज बेसिकली कि आई वॉज इंट्रैक्टिंग विद स्टूडेंट नहीं ही मैंट यू नो देव अ काइंड ऑफ पिच डैक करके एक होता है जहाँ पे स्टूडेंट्स अपने आइडियाज़ को प्रेजेंट कर सकते हैं हो सकता है आम नॉट यूजिंग द राइट वर्ड और उससे क्या होता है कि फिर उसी का उनको प्रोटोटाइप बनाने के लिए दिया जाता है देन फिर उसको कैसे अपग्रेड किया जा सकता है उस पर डिजिटल मार्क जैसे ये जो सर्टिफिकेशन करा रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग का भी है बिजनेस एनालिटिक्स का भी है सैप का भी है तो वही सारी चीज़ें यूज उसमें कराई जाती हैं जिससे थोड़ा सा करिकुलम जो है वो अच्छा बन जाता है अब क्वेश्चन क्या आता है कि लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए तो अगेन डिपेंड करता है वही क्वेश्चन लिस्ट में कौन कौन से ऑप्शन हैं और उनमें से इसको कौन सी पोजीशन पे रखना चाहिए बाकी अगर आप फीस के हिसाब से देखोगे तो फीस के हिसाब से यू नो ऑप्शन है अगर आपको जयपुर में रह के ही कॉलेजेस चाहिए बाकी इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट दिस कॉलेज वांट टू किनेक्ट भी स्टूडेंट्स फिल आउट द फॉर्म लिंक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स डि नॉट फोर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आई होप यू लाइक दिस वीडियो फॉर सच वीडियो कीप वॉचिंग चैनल एंड नॉट टू लाइक शेयर एंड